जब तक अली वलीउल्लाह पर अमल न करे।
के मशहूर जुमला आपने सुना हुआ है, एक वो है जो अली को मानता है, एक वो है जो अली की मानता है। कौन मानता है तो उसमें हिंदू भी है, मसीही भी है, उसमें जैनी भी है, उसमें अहले हदीस भी है, उसमें तमाम मकातिब हैं। लेकिन जब बात आती है अली की कौन मानता है, उसमें ये की बड़ी अजीब है, उर्दू की भी और इंग्लिश की भी, की में इंग्लिश वाली की भी है और वो की जन्नत की है। तो कई ऐसे मुफ्ती मिलेंगे जो मौला अली के फजाइल पढ़ते हैं, नाते पढ़ते हैं, लेकिन जब बात आती है आप किस की मानते हो तो कहते हैं अली चौथे पर है। तो यही फर्क है नजरिया रखना और नजरिए पर अमल करना। असल है नजरियात पे अमल करना कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहे मुसलमान, लेकिन कल मैंने अर्ज किया मेरे चौथे इमाम क्या फरमाते हैं कि तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम नहीं है, तौहीद अपने अक्ल से अपने रब को तस्लीम करने का नाम है। फरमा यही कुंजी है वलीउल्लाह बनने की, अगर तू तौहीद को सही तरीके से समझ ले तो फरमाया कभी भी फिर रब की दरबार में बंदा मुखालिफत नहीं करता। ये मुखालिफत इसलिए करता है क्योंकि ज़बान से कहता है वो है, अमल से कहता है वो नहीं है। अगर अल्लाह पर किसी का ईमान होता क्या वो कभी हुसैन को कत्ल करता? अगर अल्लाह पर किसी का ईमान होता क्या वो 70 साल मेंबरों से मौला अली को बुरा भला कहता? अगर अल्लाह पर किसी का ईमान होता क्या वो अल्लाह की दरबार में अल्लाह की तौहीन करता, शरीयत खुदा को पामाल करता? ये हुक्मरान ला इलाहा इल्लल्लाह कहते तो हैं लेकिन न इनके ऐवानों में ला इलाहा इल्लल्लाह है, न इनकी असेंबलियों में ला इलाहा इल्लल्लाह है, न इनकी जिंदगियों में ला इलाहा इल्लल्लाह है। क्योंकि जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है वो कभी भी शरीयत खुदा को पामाल नहीं करता। अजीब है ना कि मुसलमान कहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है मासूम से पूछा गया, मासूम फरमाते जो कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब उसका अकीदा बन जाता है कि ला मुअस्सर फिल वजूद इल्लल्लाह, मेरे वजूद में अल्लाह के सिवा कोई असर डालने वाला नहीं है, मेरे नफे और नुकसान का मालिक परवरदिगार आलम है। और जो हुक्मरान अमरीका से कर जाए बड़ी बड़ी ताकतों से डर जाता है और ज़बान से कहता है कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह से डरता हूँ, तो ज़बान से कुछ कहता है, अमल से कुछ कहता है। ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है पर अमल से अपना अल्लाह दुनिया की बड़ी ताकतों और ताबूत को मानता है। तो फरमाया ज़बान कुछ है अमल कुछ है, तभी इमाम हुसैन ने फरमाया कि 3 लोगों की ज़बान की चिटकारी का नाम है। जिस तरह मुंह में सुपारी लेते हो मजा लेते हो फिर फेंक देते हो, चिंगम को चबाते हो मजा लेते हो फिर फेंक देते हो, ये इसी तरह नाते पढ़ते मजा लेते हैं या नबी कहते मजा लेते हैं। खुदा को पामाल न करते। इस मुल्क में कानून में तौहीन सहाबा भी है, कानून तौहीन अहले बैत भी है, हर किसी की
तोहीन का कानून बना हुआ है। अगर कोई मेरे ऊपर केस कर दे, आपके इज्जत का केस डाल देता हूँ, किसने माशरे में मेरी तोहीन की है, बस सबसे बड़ा जुर्माना बन जाता है। लेकिन इस मुल्क में कोई ऐसा कानून नहीं है जो तोहीन परवरदिगार के आलम का। अल्लाह की तोहीन का मतलब ये नहीं कि कुरान फाड़े, एक है कावे से कुरान को फाड़ना, एक है अपनी अमल से कुरान की आयत को फाड़ना, ये भी तो है ना। एक कुरान की आयत है कि बस लड़े मर्दों है और को तुम्हारे ऊपर खुदा ने कुछ चीजों को वाजिब किया है और अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर हिजाब को वाजिब किया। अब एक मरतबा जो कुरान के कावे को भी फाड़ दी लेकिन अपने अमल से बेहयाई करके बेइज्जती करके अमल से बता रही है कि मैं कुरान की आयत को नहीं मानती, इस मुल्क की नेशनल टीवी पर ऐसी खवातीन नहीं बैठती, इस मुल्क की असेंबली में ऐसी खवातीन नहीं आती, वही असेंबली जिसमें बहुत बड़ा लिखा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो बस बात यही है उसने नजरिया देखा है पर वजूद में नजरिए को दूसरों को दी जाती थी, लपट के हुकूमत को ले लेते थे, लेकिन अली के दर पे गए, दोबारा गए, तीसरी बार गए, यहाँ तक हालात लिखे गए कि अपने अब्बास फरमाते इतना रश था अली के घर में कि हमें डर था कहीं हसन हुसैन लोगों के बाहुओं के नीचे ना आ जाए, इतना जम्मे कशीर। और जब अली ने इनकार किया तो बात तलवार तक आ गई कि अली नहीं मानोगे तो हम तुझे कत्ल कर देंगे। इस हद तक लोगों में जरूरत पैदा हुई जब अली को आके मना है और जब हुकूमत मिली मौला इनकार क्यों कर रहे थे, क्योंकि मौला देख रहे थे लोगों में कैपेसिटी नहीं है कि अली की हुकूमत को बर्दाश्त कर सके। सुन्नत रसूल को जिंदा करूंगा, इसका मतलब सुन्नत मुर्दा हो चुकी है, सुन्नत को दोबारा जिंदा करना चाह रहे थे। और इस हुकूमत से पहले भी मौला को ऑफर हुई थी, इसलिए खलीफे से पहले पहले अली को ऑफर हुई थी कि आप हुकूमत पे आ जाइए, लेकिन एक शर्त रखी थी जो शर्त अली ने नहीं मानी थी, वो शर्त ये थी अली तुझे हुकूमत तो देंगे लेकिन तुम सुन्नत खुलफा पर अमल करोगे, तो पिछले जो खलीफे गुजरे हैं उसकी सुन्नत पर अमल करोगे। मौला ने फरमाया मैं उनकी सुन्नत पर अमल नहीं करूंगा, मैं मोहम्मद की सुन्नत पर अमल करूंगा। तारीख का जुमले है किसी शिया किताब में नहीं है, ये अहले सुन्नत की तारीख में है। ये बातें पढ़िए बताइए पढ़िए और देखिए और पढ़िए कि तारीख इस्लाम में हुआ क्या था। लेकिन जब जो चीज आई आई कोई ऑप्शन नहीं था अली के अलावा, अगर ऑप्शन होता तो उनके पास जाते लेकिन अली के पास आए। और मौला जब हुकूमत पर आ गए तो सुन्नत रसूल को नाफिज़ करवाया और कई अमाल में मौला को तकलीफें भी हुई मसाइल भी हुए। और जब मौला ने अदल इलाही को नाफिज करने की बात की इतनी सख्त तकरीर की, पर मैं अगर किसी के घर में भी यतीम और गरीबों का माल पड़ा हुआ है अली उनके घरों से लेकर आए। और मौला ने तकरीर में कहा कई ऐसे थे जो नबी के जमाने में थे लेकिन पहनने के लिए लिबास नहीं होता था, दो जोड़ों वाले तीन जोड़ों वाले कुछ सहाबी थे किताब लिखी गई है कि कौन से असहाब रसूल के जमाने में इकोनॉमिकली कैसे थे और चार या तीन खिलाफतों के बाद उनके पास कितना पैसा है। इमाम ने जुबैर को मुखातब किया, जुबैर तेरे पास पैसे क्या था आज तेरे पास क्या है। जब आप जुबैर की मिल्कियत देखेंगे आप परेशान हो जाएंगे,
मक्के में घर है, मदीने में घर है, शाम में घर है, मिस्र में घर है। जब जुबैर दुनिया से जाता है तो सोना की जो प्लेटें थी लोगों के हाथों में वरम पड़ गया था, उन प्लेटों को तोड़ तोड़ के। इतना सोना था जुबैर के घर में, इतना माल था, ऐसे कई लोग थे। जब मौला ने सख्तियां करना शुरू कर दी, जब अदल अली नाफिज हुआ तो लोग अली के सामने खड़े हो गए। अजीब मंजिल है कि जो हुकूमत बनाने के लिए अली को लाते थे, वो ही हुकूमत बनाने के बाद अली के सामने जंग जमल बना देते हैं। इस्लाम की जंग नहीं है, मफादात की जंग है। तो याद रखना, कलमा पढ़ना आसान है लेकिन कलमे पे अमल करना बड़ा मुश्किल है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहना आसान है लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह पर अमल करना मुश्किल है। तभी फरमाया कि अक्सरियत जहन्नम में जाएगी और अकलियत है जो जन्नत में जाएगी, क्योंकि अक्सरियत शैतान के धोखे में आ जाती है लेकिन वो बचेंगे। रसूल खुदा का वादा है, लन तज़िल्लु बादी अबदा, नफी अबद है, कभी भी मेरे बाद गुमराह नहीं होंगे। अगर दो चीजों के दामन को थामे रखोगे, एक जिंदगी में अपना मंशूर कुरान को बना, दूसरा अपनी जिंदगी में अमन अहलुबैत के किरदार को, कभी भी तुझे नाकामी नहीं मिलेगी, जन्नत का रास्ता मिलेगा। तो मेरे अजीज, एक ला इलाहा इल्लल्लाह नजरिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह नजरिया, अली के वलीउल्लाह नजरिया, अब ये तीनों अकवाम नजरिए वाले मिलेंगे। शिया में भी नजरिए वाले मिलेंगे, अहले सुन्नत में नजरिए वाले मिलेंगे, मसीहियों में नजरिए रखने वाले मिलेंगे, लेकिन इस नजरिए पे अमल करने वाले बहुत कम मिलेंगे। यानी जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा हो और ला इलाहा इल्लल्लाह को समझा हो। कल मैंने दलील दी थी, कल मैंने दलील दी अपने इमाम की तौहीद को मजबूत करने के लिए कि बड़ा फरमाते हैं आज सब अबसार नामरीन अनरुयत है, देखने वालों की आंखें अल्लाह के देखने से आजिज हैं। कमोला क्यों फरमाया, क्योंकि खुदा की न इब्तदा है न खुदा की इंतहा। तो समझ के आपके जहनों में बैठ गई, अल्लाह की नहीं बतादा है इंतहा है, क्योंकि वो अजली भी है अबदी भी है। हम अबदी हैं पर अजली नहीं है। एक दिन था कि हम पैदा हुए और हमेशा रहेंगे, लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं था कि खुदा पैदा हुआ हो, वो हमेशा से था हमेशा से रहेगा। तो फरमा उसकी न इब्तिदा है न इंतहा है, मतलब उसका न कोई स्टार्टिंग पॉइंट है न कोई एंडिंग पॉइंट है। अगर वो नजर आए तो नजर कैसे आए, क्योंकि आंख से हर वो शय नजर आती है जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग होती है। मैंने तिजू की मिसाल दी थी, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे खत्म हुआ। अगर खुदा भी नजर आए तो कहीं से शुरू होगा तो कहीं से खत्म होगा, और जो शुरू और खत्म हो जाए वो खुदा के साथ। आसानी से आपने हर साहिब अक्ल को बता दिया कि खुदा क्या है, खुदा नजर नहीं आता। और कुछ एतराजात जो तौहीद पे किए जाते हैं, मेरी कोशिश होगी कि एतराज का वक्त इतना नहीं होता। फरमाया एक वजूद है जिसको इतनी इस्तेहजा में मुमकिनुल वजूद कहा जाता है, और एक वो है जिसे वाजिबुल वजूद कहा जाता है। मुमकिनुल वजूद लफ्जों पर गौर करिए, बात समझ में आ जाएगी। मुमकिनुल वजूद यानी मुमकिन है कि ये हो, मुमकिन है कि ये हो और मुमकिन है कि ये ना हो। मिसाल के तौर पे आज मैं हूं कल मैं नहीं, तो मेरा वजूद मुमकिन है। मसला 88 में पैदा हुआ, उससे पहले नहीं था। आप में से कोई 70 कोई 60 कोई 100 साल पहले नहीं था, आज आप रहें और 50 साल बाद आप नहीं रहेंगे। मतलब मेरा वजूद मुमकिन है कि हो मुमकिन है कि ना हो, मतलब ना मेरा होना जरूरी ना मेरा ना होना जरूरी। जिसका होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो ना हो तो ये मुमकिन ना हो, अगर वो ना हो तो ये मुमकिन ना हो। मैं मुमकिन बना उसकी वजह से, उसने इरादा किया तब जाके मुमकिन मुमकिन बना। कहते सुना होती है अदम और वजूद, अदम मतलब कुछ नहीं, वजूद मतलब कुछ हो। तो अदम से किसने अदम को वजूद दिया, वो खुदा। मैं नहीं था उसने कहा हो जाए तो मैं हो गया,
तो एक बना मुमकिन, लेकिन एक वो है जिसका हमेशा होना जरूरी है, उसे कहते हैं वाजिब। वाजिबुल वुजूद, जिसके वुजूद का होना जरूरी है, अगर वो ना हो तो कायनात ना हो। एक तो ये दलील हो गई। दूसरी दलील जिसको इल्लत और मालूल कहते हैं, ये दलील है साहिबान अक्ल के लिए, साहिबान फहम के लिए है, ये अक्ल अल्लाह ने चाहे जीने के लिए नहीं, अक्ल अल्लाह ने सोचने के लिए दी है, ये अक्ल डूबे खेलने के लिए नहीं है, ये अक्ल सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए नहीं है। ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، زمین و آسمان کے بننے میں اور اس زمین و آسمان کے اختلاف میں اللہ نے آیتیں رکھی ہیں، کن کے لیے؟ جو صاحبان عقل ہیں۔ اور آگے کہتا ہے یہی صاحبان عقل زمین و آسمان کے سوچتے ہیں، اور سوچنے کے بعد پھر خدا کی تسبیح میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یعنی تسبیح تب تک نہیں ہو سکتی جب تک سوچے گا، سوچے گا تو اللہ کی تسبیح کرے گا، فکر کرے گا تو علی کے دروازے پر آئے گا۔ علی بغیر فکر کے نہیں ملتا، علی صاحبان عقل کو ملتا ہے۔ سب کو مل جاتا ہے، ہر کسی کو نہیں ملتا، جس کے وجود میں عقل ہے اس کو ملتا ہے۔ فرمایا دوسری دلیل وجود خدا پر، ایک تو سمجھ کے تیرا وجود ممکن ہے آج ہو، ممکن ہے کل نہ ہو۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ علت و معلول، ہر شے کے بننے کی علت ہے، جس کو اردو میں کہیں سبب اور مسبب، وجہ کہیں۔ بھئی آپ کیسے بنے؟ آپ کو اپنے والد کی وجہ سے، وہ کہو اپنے والد کی وجہ سے، وہ کہو بھی اپنے والد کی وجہ سے، اور وہ بھی کب تک جاؤ گے؟ تو عقل انسان، اس کو ہم دور اور تسلسل کہتے ہیں، عقل کہتی ہے کہ کہیں نہ کہیں مجھے رکنا پڑے، کیونکہ چلتا گیا تو فیصلہ تو ہوگا ہی نہیں، پھر وہ تسلسل ہو جائے گا اور سر چکرا کے بندہ گر جائے گا۔ تو عقل کہتی ہے کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ تو ہو، یہ کہے کہ اس نے بنایا۔ تو یہاں پہ دو فلسفے بنے۔ انبیاء نے کہا کہ وہ جو کائنات کا نطفہ ابتدا ہے وہ اللہ ہے، جس نے کائنات کو وجود بخشا وہ خدا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ وہ میٹر ہے، مانتا ہے مٹیریل ہے، لاؤڈ مادے سے بنا، میرا جسم مادے سے بنا، پھل کھایا، پودا کھایا، خون بنا، نطفہ بنا، حلقہ بنا، مصبہ بنا، جسم بن گیا۔ جب سبزیاں کھاتے ہو کیا بن جاتی ہیں؟ خون بن جاتی ہے نا، تو یہ مانتا ہے۔ آپ نے دانا زمین میں ڈالا، سو دانے نکل کے آ گئے، یہ مانتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کائنات کو کس نے بنایا؟ مادے نے بنایا، مٹی نے بنایا، مٹیریل نے بنایا، یہ پوری کائنات مادے سے بنی ہے۔ ہم کہتے ہیں پوری کائنات کو جس نے بنایا اس وجود کا نام اللہ ہے۔ اب اس کو بچے کو سمجھانے کے لیے دلیل کو رد کیسے کرو گے کہ مادہ نہیں ہے خدا ہے؟ کیسے رد کرو گے؟ وہ کہیں گے مادہ ہے، کبھی کہیں گے بگ بینگ ہے، کبھی کہیں گے پانی کے قطرے سے بنا ہے، مختلف تھیوریز، مختلف نظریے آ جائیں گے۔ اب اس نظریے کو باطل میں کیسے بچو گے؟ اللہ نے عقل دیا ہے، عقل سے سوچو گے تو عقل تجھے خود بتائے گی کہ میرا بنانے والا کون ہے۔ اگر جوان سوچ رہے بھائی ایک سائنسدان پتے کو دیکھ کے گریویٹی تک پہنچ جاتا ہے، تو کائنات کو دیکھ کے خدا تک پہنچ نہیں سکتا کیا؟ اگر سوچے تو خدا کو ڈھونڈنا بڑا آسان ہے، کہ بندہ سوچے، غور کرے، فکر کرے، ایک گھنٹہ گھنٹہ فضول چیزوں میں سوچتا رہتا ہے۔ علی والا فضول چیزوں میں اپنا دماغ ضائع نہیں کرتا، اپنی انرجی ویسٹ نہیں کرتا، یہ انرجی کو خالق انرجی کے اوپر لگاتا ہے، جس نے تجھے یہ طاقت دی، جس کی وجہ سے تو انسان بنا ہے۔ ورنہ گدھے اور انسان کے کیا فرق ہے؟ کھاتا وہ بھی ہے، کھاتا تو بھی ہے، چلتا وہ بھی ہے، چلتا تو بھی ہے، تھک ہو جاتا ہے تو سو جاتا ہے، تو بھی تھک جاتا ہے تو سو جاتا ہے، پھر وہ اٹھ کے چلتا ہے، تو بھی چلتا ہے۔ تو انسان تب بنتا ہے جب اس کی خلقت میں غور و فکر کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ مادے میں احساس نہیں ہوتا،
कोई बंदा बड़ा हसीन अपने हुस्न पे नाच कर मेरे बाल ऐसे मेरी आंखें ऐसी मेरा चेहरा ऐसा भाई तूने बनाया जब चाहे तुझे गंदा बना दे जब चाहे वो तुझे हुस्न देता भी है फिर बूढ़ा करके तेरा हुस्न लेता भी है तो लेकर बताता है हुस्न तेरा नहीं था मेरा कुछ भी नसीब नहीं। हमारे मुसलमानों का हाल यही है ना।
करनी पड़ती है हमारे, हमें अकल नहीं आई घर के आप बेटे बना के चाइनीज को बना दे, ये अकल है कौन कहां यूज कर रहा है, हमारी अकलें हैं लोगों को लड़ाने में, ये हमारी अकलें कि नई नई चर्च काफी में कौन सी आई है, नया नशा कौन सा है, हमारी पूरी अकल इसमें लगी हुई है कि हम को जन्नत की बूटी बनाना है, को काम है मुसलमान की अकल इसी में लग रही है कि मुसलमान को मुसलमान के साथ कैसे लड़ना है, इसे काफिर बनाना है, इसे काफिर बनाना है, इसे मुस्लिम बनाना है, इसे बगदादी बनाना है, ये लानत है ऐसी अकलों पर जो फिक्र और शऊर नहीं, भाई कम से कम को किसी को लड़ा नहीं रहे कि इंसानियत का फायदा तो कर रहा है अंग्रेज, फायदा कर रहा है ना, ये फायदा तो तुम्हें करना था ना दुनिया का, हाँ वो बुद्ध परस्त होके तुम्हारे मुल्क में तुझे एनर्जी दे रहा है, टेक्नोलॉजी है ना, किसी ने लाइट बनाई इंसानियत का फायदा है ना, किसी ने प्लेट बनाई इंसानियत का फायदा है ना, किसी ने एसी बनाई इंसानियत का फायदा है, तू क्या कर रहा है, मुसलमान क्या कर रहा है, क्योंकि मुसलमान में अकल नहीं है, अब जब पैसा ज्यादा कैसे पता नहीं यूज क्या करना है बंदे के पास, तो पैसा ज्यादा वक्त बच जाता है, मजदूर होगा वक्त को इस्तेमाल करेगा, अब सुबह से शाम तक क्या करना है, तो शैतान इसके वक्त को गुनाहों में यूज करवा, बहुत ज्यादा है टीवी देखी, बहुत ज्यादा है खेल देखे, बहुत ज्यादा है अय्याशी के लिए निकल जा, बहुत ज्यादा है गंदी दोस्तियों में पड़ जा, तो वक्त ज्यादा हो जाता है तो बंदे को पता नहीं लगता, ये वक्त की मैनेजमेंट कौन बताएगा कि मुझे वक्त को, मुझे पैसे को, मुझे औलाद को मैनेज कैसे करना है, शादी करना तो हर किसी को आती है, वो तो ऐलान भी कर लेते हैं ताल्लुक बना लेते हैं, लेकिन बीवी को संभालना, अब बच्चे पैदा करने में क्या, मौलवी ने कह दिया मुसलमान पढ़ाओ मुसलमान पढ़ाओ, ये भी पढ़ाता था, ये नहीं पता इस बच्चे को पालना है पोसना है इसकी तरबियत करनी है, कल ये नहीं कि माशरे को शराबी दे, एक नशाई दे, एक बद किरदार दे, बस नहीं वो लगा हुआ है कि वहां भी कम है वहां भी पढ़ाओ, अगर तमन्नाई है ताकत है तरबियत कर सकते हो तो दस सलमान होना, तो ये शिया मैक्सिमम पे सोचता मिनिमम पे नहीं सोचता, मुसलमान मैक्सिमम पे सोचता मिनिमम पे नहीं सोचता, तो ये कौन बताएगा, इंसान अगर अपनी अकल से सोचे उसको पता है मुझे किस चीज को कहां पर कितना इस्तेमाल करना है, और ये कहां से फिक्र मिलती है जब इंसान सोचेगा, अगर तौहीद में सोचे तो बंदा फर्श से अर्श तक चला जाएगा, अर्ज किया कि सिर्फ नजरिया रखने से कुछ नहीं होता, जब तक उस नजरिए पे सोचा न जाए फिक्र न की जाए, कामयाबी फिक्र से दुनिया हो वो आखिरत हो, बंदा अगर सोचता है तो उसकी दुनिया भी आबाद उसकी आखिरत भी आबाद, एक आदत बता दी कि दुनिया में तकरीबन 500 कामयाब लोगों पर रिसर्च हुई कि ये लोग कामयाब कैसे बने, इनकी खूबियां क्या थी, और वो लोग जो नाकाम बने उनकी नाकामी की वजह क्या थी, तो 500 लोगों में एक चीज कॉमन थी, वही चीज है जिसको अमीर मोमिनीन बताते हैं, तो मौला से पूछा कि मौला विलायत के मैदान में कदम रखने के लिए कौन सी चीज जरूरी है, जिसकी चंद चीजें मैंने उसके बताई कि लिबास पाक हो बदन पाक हो, अली वाला हमेशा खुशू के साथ मजलिस में आता है, अहले बैत के जाने वाला कभी बेखुशू नहीं होता, दाएं और खुशू होता है, अगर कल मजलिस में आए तो हर मोमिन बावजूद होकर आए, क्योंकि अगर तहारत लेनी है अहले बैत से तो पहले ताहिर बनना पड़ेगा, कल मैंने बताया मैंने कहा तार हर शिया के पास है, लेकिन घर में ऐसी तब लगता है कि जब आपदा से कोई ताल्लुक हो, ऐसी वैसे नहीं लगता, जब तक आपदा के साथ ताल्लुक ना हो घर में ऐसी खरीद लो पंखे लगा लो ठीक ठाक लाइटें लगा लो घर तो सज जाएगा, लेकिन इस घर में लाइट कब आएगी, जब पावर हाउस से थोड़ी लाइट मिले, उसी तरह
अज़ा है, मजलिस है, अली वलीला है, ला इलाहा इल्लल्लाह है, मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीला है, लेकिन जब तक कनेक्शन नहीं रहेगा तब तक ये सारी चीजें मुझे फायदा नहीं दे सकती। और उस पावर हाउस का नाम है बाबे मदीनतुल इल्म, अहलवाय का दरवाजा। तब तक कनेक्शन नहीं हो सकता जब तक बंदा ताहिर ना हो। एक बताई चीज, इंसान का लिबास पाक होना चाहिए। दूसरा जो लिबास पहने वो लिबास से शहवत ना हो, ऐसा लिबास जिसमें नामहरम के लिए अफेक्शन हो। खातून ऐसे कपड़े हर किस न पहने जिन कपड़ों में किसी नामहरम के लिए अट्रैक्शन हो। ये बावजूद होकर आएगी हुसैन की मजलिस में, आएगी सर पे दुपट्टा पहनकर आएगी, लेकिन अगर ऐसा लिबास पहना है जो तंग लिबास है, जो टाइट लिबास है, जो बारीक कपड़ा है, अगर ये पहनकर आती है तो चलते फिरते इस पर अल्लाह और रसूल की लानत है। क्यों? क्योंकि ये गुनाह की एडवर्टाइजमेंट कर रही है, ये गुनाह को खुद फैला रही है। किसके जरिए से? अपने कपड़ों के जरिए। भाई आपको पता हो कि एक गरीब है जिसने गोश्त नहीं खाया, आप उसके सामने गोश्त गरीबों के मोहल्ले से गुजरो और अपने घर में बड़ी शादी की दावत करो और पता भी हो कि मेरे हमसाय में इतने घर हैं, इनको किसी खाना कोई नहीं देता और अपने घर के बाहर बैठ के बारबेक्यू बनाओ, निकाह हसरत पड़ती है, नजर लगती है, बीमारियां घरों में आती हैं, तुम्हें हक नहीं है कि के साथ निकाह रखो। अभी हम इमाम हुसैन का जब न्याज करते हैं तो शर्त नहीं लगाते सिर्फ शिया का है, उसी का जरिए की बात आ रही है। बेचारे 10 देखे, 15 देखे, 20 देखे, जब चढ़ेगी खुशबू जाएगी, अब भूखे को खुशबू आएगी, हम कहते हैं हुसैन के दर पे आओ, हुसैन का नमक खाओ। मौत आएगी तो मौला की जा रहा, मन यमुक यानी
जो भी मरेगा अली की ज़ियारत करेगा, तो मैंने तुझे यकीन है कब मरोगे? एक मिनट के बाद, बस किसी को पता नहीं मैं कब मरूंगा, इतना तो यकीन है ना, जब मरोगे तो अली की ज़ियारत होगी। ये यकीन है कि मरोगे तो अली की ज़ियारत होगी, ये यकीन नहीं कि कब मरोगे। तो कम अज कम वुज़ू कर लो ताकि जब मरो तो ज़ियारत अली की वुज़ू के साथ हो जाए। अगर वो गुनाह करते मौत आ गई, इस वक्त कई लोग नशे में मौत आ गई, गुनाह में मौत आ गई, वही सांस निकल गई, उस हालत में मौत आए, तो ये कैसे अली की ज़ियारत करेगा? कितनी शर्मिंदगी होगी अमीरुल मोमिनीन के सामने, कितनी शर्मिंदगी होगी अल्लाह के मलाइकों के सामने। तो मोमिन हमेशा सुरखरू होता है। तो हदीस बता रहा था, जब कयामत के दिन उठाया जाएगा, अल्लाह कहेगा कि तुमने गुनाह क्यों किया? तो कहेगा, खुदा यार तू मुझे माल न देता, मैं गुनाह न करता। तो वहाँ पे परवरदिगार आलम अपने जो नेक मालदार बंदे गुजरे हैं उनको बुलाएगा, कहेगा इनके पास तो माल था, इन्होंने तुम्हारा गुनाह क्यों नहीं किया? किसी को उठाएगा, कहेगा तूने गुनाह क्यों किया? कहेगा खुदा यार तूने मुझे हसीन बनाया, और दुनिया के बड़े लोग मेरे हुस्न के दीवाने थे, ना तू मुझे हसीन बनाता, हमें गुनाह करता। उस वक्त आवाज इकट्ठी आएगी कि यूसुफ को लाया जाए, यूसुफ को लाया जाएगा। जब ये हुस्न यूसुफ को देखेगा, अल्लाह कहेगा क्या तू इससे हसीन था? क्या तू यूसुफ से ज्यादा हसीन था? जब मेरे यूसुफ ने गुनाह नहीं किया तो तूने गुनाह क्यों किया? बंदे की तौहीद अगर मजबूत हो, बंदा कभी भी गुनाह में नहीं जाता। ये ईमान खुदावंदी है जो इंसान को दरे हुसैन पे लाता भी है और किसी को और बनाता है। सैकड़ों वाकयात में आज कायम नहीं है कि जो लोग मजलिस हुसैन से जाए, ये नूर की महफिल है। यानी तशय्यों से अगर करबला निकालो तो तशय्यों में कुछ कुछ, करबला निकाल तो कुछ भी नहीं। आपको दीन मिला मजलिस से, ईमान मिला मजलिस से, हुसैन मिला मजलिस से, अली मिला मजलिस से, ये शरीयत पड़ी मजलिस से ना, सारी चीजें किससे पड़ी है? ये आपका बेहतरीन वसीला था, क्योंकि इमाम जानते थे शियों के पास न मिंबर था, न हुकूमत थी, न पैसा। शियों से मतलब अहलेबैत के पास कोई चीजें नहीं थी, हुकूमतें उनके पास, माल उनके पास, मीडिया उनके पास, फौजें उनके पास, हुक्मरान उनके पास, ये वाहिद वसीला था करबला का। कि शिया चार भी हों तो हुसैन के नाम पे जमा हो, और जमा हो के अहले बैत के फरामीन बताएं, कुरान की तफसीर बताएं, कलाम खुदा बताएं, ताकि मजलिसों से लोगों में नूर पैदा हो। और हुसैन इब्ने अली करबला जाते ही अपने काफिले को मजलिस में रख दिया, जहां जहां पहुंचते थे चंद लोगों को भेजते थे, कभी जुबैर के पास जाओ उसे खा रहा हूँ, रुकते जाते थे, रुकते जाते थे। किरदार अहले बैत का ऐसा था, जो काफिले को मिलता था इमाम हुसैन के साथ रहा जाता था। 5,000 के करीब लोग थे जो चले थे मुख्तलिफ लोगों से, कि जब इमाम ने दिया बुझाया, जब मौत को सामने देखा तो आहिस्ता आहिस्ता उठ जाने लगे। लेकिन जिसने अपना कनेक्शन हुसैन से मजबूत किया था वो मसीह ही था ना, हुसैन के पास रुक गया। ये अजीब है, जो वहां से चले थे वो चले गए, लेकिन कई ऐसे थे जो नए नए रास्ते पर ले गए। ये सिर्फ ज़ुहैर का तसव्वुर नहीं था इमाम के पास, यहाँ तक उसे पता चला इमाम हुसैन का खेमा है, तो मेरा खेमा दूर लगाओ, कहीं ऐसा मौत ना हुसैन के साथ सामना हो, सामना हो, मदद करनी पड़ेगी, खेमा दूर लगा लिया। आज का तारीख को ये इल्म नहीं थे क्या कहा था इमाम ने कि जो आया, आज तक किसी को नहीं बात रास है।
और कहने के बाद वापस आया। कुछ कहते हैं अपनी बीवी को कहा कि मैंने अपना हक आजाद किया, जाने से पहले कोई तलाक थी उसे कि जहां जाना चाहो चली जाओ, क्योंकि मैं जहां जा रहा हूं वहां से वापसी का रास्ता नहीं है। कोई और बना, कोई बाप बना, गुलाम है जवान, रसूल का भी गुलाम, अली का भी गुलाम, मौला हसन का भी गुलाम, फिर इमाम हुसैन का करबला में जैसे साहबी, साहबी रसूल है, रसूल की खिदमत की आजाद किया, मौला अली के पास है, मौला ने आजाद किया, मौला हसन के पास है, मौला हसन ने आजाद किया, इमाम हुसैन के पास है। और शबे आशूर इमाम हुसैन ने बुलाया, फरमाया जौन हुसैन ने तुझे भी आजाद किया, कि तुझे से सुना रो पड़ो मौला, मैंने तो नौकरी ही सीधा की है, मुझे क्यों आजाद कर, पर आप तो आजाद आए, अगर किसी की गुलामी में जाना पसंद करे तो जैन उलादीन की गुलामी में चला जाए। बुरा साहब ही है, कुछ 90 साल कुछ मोर देन 90 ईयर्स बताते हैं, पर मैं खेमे में आया इमाम हुसैन उलादीन, यानी ये वो है जिसने चौथे इमाम को पाला है, जो हमने बढ़ किया था हाथों में जवान किया हुआ है, जैसे आया तो इमाम ने अदब से कहा कि जो ना रोक रहे, फरमाया कि हुसैन ने आजाद कर दिया, कहीं तो अच्छी बात है, तू बूढ़ा हो चुका है, अब जा अपनी जिंदगी गुजार। आजादी का मतलब इमाम ने जोन से जिहाद उठा लिया और फरमाया तू चला जा अपनी जिंदगी सुकून से गुजार, जन्नत तुझके वाजिब है, जिहाद हुसैन ने तुझसे उठा लिया है। रोता हुआ इमाम के पास, इमाम ने तो तू बूढ़ा हो चुका, लड़ भी नहीं सकता, बुढ़ापा है, कचा बाबा ने आजाद किया, मैंने आजाद किया, जा सुकून से मदीने में जिंदगी गुजार, जहां जाना चाहता है जिंदगी के आखिरी लम्हात है सुकून से गुजार। रो रहा है इमाम ने कहा रो क्यों रहा है, कहा मौला वो गुलाम कैसा है जो मुश्किल में अपने आका को छोड़ के चला जाए, ऐसी गुलामी मुझे पसंद नहीं है। बस जिद था, सिफारिश की वजह जो थे इमाम ने इमाम हुसैन ने याद किया था, लेकिन तारीख लिखती है कैसे लगता पूरा था, घोड़े पे चढ़ना चाह तो चढ़ नहीं सका, पूरे सफर में जिस तरह बीवियों को ऊंटों पे बिठा के लाया गया, जौन भी ऊंट पे लाया गया, पूरा था जाए तो कैसे जाए, सवार होना चाह सवार होना पूरा, आखिर में तलवार ली और पैदल चला लश्कर यजीद ने हमला कर दिया, मतलब जिसमें जितनी तवानाई थी वो कर रहा था, आज तुझने कितनी तवानाई है उतना ही बैठ के लिए कर, उतना दीन खुदा के लिए कर, उतना राहे परवरदिगार आलम के लिए कर, कि जब इसने हमला किया और रजस पढ़ के कहा कि आओ हुसैन के गुलाम से लड़ो, तो कहते हैं फौज अशकिया हुसैन पे हंस नहीं सकी, कहते हुसैन के पास कोई बहादुर नहीं था, बूढ़े को हुसैन के पास जंगजू नहीं है कि हुसैन ने ऐसे बूढ़े को भेज दिया हमारे मुकाबले में, तो यहां इतने साथियां शिविर में कहा ठहरो मुझे पता है कि हुसैन को तकलीफ कैसे देनी है, तो क्या मतलब है? कोई इसे तलवार से नहीं मारेगा, कोई इसे नेजे से नहीं मारेगा, बूढ़ा साहब रसूल है, तो फिर क्या करना है, इस मजरूम ने कहा घोड़ों पर सवार हो जाओ, इसके अतराफ में जमा हो जाओ, इतने पत्थर मारो, इतने पत्थर मारो, तलवार से नहीं इसको पत्थरों से मारना है, क्योंकि तकलीफ होगी ना, मौला जैन उलाबदीन को तकलीफ होगी जिसने पाला था, हुसैन को तकलीफ होगी बुढ़ापे से लेकर के हुसैन के साथ रहा, कहते मलूनों ने पत्थर मारना शुरू किया, नबी का बूढ़ा साहबी इतने पत्थर लगे, इतने पत्थर लगे कि जमीन पे गिरा, चंद असहाब हैं जिनका सर मौला हुसैन ने गोद में, उनमें से एक जो हर शादी के लाशे पे नहीं गए, चंद साहब तीन या चार हैं और किसी हर किसी के लाशे पे इतना वक्त नहीं काटा किसी के लाशे पे, उनमें से एक जो है कहते हैं दौड़े दौड़े आए, तब ये जमीन पे गिरा तो हुसैन ने सर अपनी गोद में,
उस वक्त यानी तसव्वुर करो जिसने जवानी से लेकर बुढ़ापे तक इस दर्द की गुलामी की हो, उसे तो राजी होना चाहिए ना। हम कितनी आसानी से कहते हैं मौलाई है, हम कितनी आसानी से कहते हैं हुसैन है, कभी अपने मौला से भी पूछना कि तो हुसैन ही है कि नहीं। जब तक उसकी आवाज न सुनो यकीन न करना। जो कसर हुसैन की गोद में पहला जुमला था कि मौला के आप मुझसे राजी हो गए, दो दुआएं थी मां, कहा कि जौन मैं भी तुझसे राजी हूं, अम्मा ज़हरा भी तुझसे राजी। लश्कर यजीद का सिपाही कहता एक मंजर में देख रहा था, बदबा ऐसे करीब इमाम अल्लाह ने तुझे दिया है, वाकई सुन के इंसान का दिल कर पाए कि हुसैन तो कुर्बान हो जाए। कहते अजीब मंजर था, मैंने हुसैन को हर लाश पे आते हुए देखा, लेकिन ये लाश बड़ा अजीब था। कहते हुसैन सर गोद में लेते थे, सर नीचे रख लेते थे, हुसैन सर गोद में लेते थे, सर नीचे रख लेते थे। कुछ ने कहा कि इमाम को कह रहा था मौला, कहा मेरा खून, कहा आपका खून, मौला भी तो जख्मी थे ना। कहते एक मरतबा जब मैंने देखा कि जौन ने इनकार किया सर को गोद में रखने से, नहीं रख रहा था मौला मैं गुलाम हूं, आका की गोद में सर रखू तो कैसे रखू। अरब कहते थे ये रंग का काला है, इसके बदन से बदबू आती है। कहते मौला ये मुझे काला बोल रहा है, मुझे बोलते इसके बदन से बदबू आती है, और मैं अपना सर सहरा के लाल की गोद में रखू। तो लश्कर यजीद वाला कहता मैंने अपनी आंखों से देखा, जब इसने इसरार करके सर को खाक करबला पर रखा ना, तो हुसैन ने अपना सर झुकाना शुरू किया, इतना छुपाया कि हुसैन की नीश मुबारक जौन के रुखसार पे आ गई। और हुसैन ने कहा कि जौन हुसैन दुआ कर पाए कि तेरे बदन से जो खुशबू आएगी किसी के बदन से नहीं आएगी, और कयामत के दिन ये जो तुझे बोल रहे ना तेरे चेहरे से जो नूर निकलेगा अहले माशा नजर आएंगे। और वाकई तारीख करबला ने देखा कि जब लाशों को उठाया जा रहा था तो पूरे करबला के मैदान में अजीब खुशबू महक रही थी। जब गौर किया तो ये खुशबू हुसैन के गुलाम के बदन से आ रही थी। तो ये तेरे आका हैं, जो मोहब्बत करो तो मोहब्बत का जवाब इस मोहब्बत से देते हैं, लेकिन बस यही है कि खुद को हुसैन के करीब करो, अमल से, किरदार से, गुफ्तार से, रफ्तार से। उस्कुरूनी अस्कुरुकुम, जितना याद करोगे उतना हम भी तुझे याद करेंगे। दिलों को करबला लेकर चलें और सलाम करें अपने आका की हुर्मत पे।
प्रति मजलिस कर अपने मौला को जरूर दावत कर मौला या के मैदान आपको देख नहीं पा रही लेकिन आप तो किसी के चल